नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। जयपुर में केंद्रीय एजेंसी राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी यानी एनसीसीएफ संघ ने आज 7 स्थानों पर 70 रुपए किलो टमाटर बेचे हैं। सुबह 10 से 7 बजे तक अस्थायी विक्रय केंद्र की शुरुआत होनी थी, लेकिन 2 घंटे में ही जयपुर के सभी केंद्रों पर टमाटर का स्टॉक खत्म हो गया और इसके बाद आम जनता टमाटर के लिए परेशान होती नजर आई। लोग ऑटो लेकर टमाटर लेने पहुंचे लेकिन खाली हाथ लौटे। दिन में 12 बजे जयपुर में वैशाली नगर में क्वींस रोड पर लगे स्टॉल की जगह पर सरकारी गाड़ी मौजूद नहीं थी। उद्योग भवन पर भी टमाटर का स्टॉक खत्म हो गया। आम लोग परेशान होकर टमाटर खरीदने के लिए नई जगह पता करने में जुट गए थे। उन्हें किसी ने कहा कि 22 गोदाम पर बने सहकार भवन में सस्ते टमाटर मिल रहे हैं। इसके बाद सभी सहकार भवन पहुंच गए, वहां टमाटर का कोई भी केंद्र नहीं था। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि सुबह से लगातार आम जनता की भीड़ आ रही थी, इससे परेशान होकर विक्रेता अपनी गाड़ी को 22 गोदाम सर्कल के पीछे गली में ले गया। 22 गोदाम सर्कल के पीछे टमाटर विक्रेता से आम जनता अब बहस कर रही थी। उसने बताया कि आज सरकार से सिर्फ 1100 किलो टमाटर मिले थे जो कुछ ही देर में बिक गए। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे बल्कि विक्रेता पर ही टमाटर की कालाबाजारी करने का आरोप लगा रहे हैं। 2 किलो टमाटर खरीदने के लिए 200 रुपए ऑटो का किराया देकर एक महिला टमाटर खरीदने पहुंची। उन महिलाओं को निराशा हाथ लगी, जिसके बाद उन्होंने महंगाई के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। महिलाओं ने बिगड़े हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम ऑटो कर टमाटर खरीदने पहुंचे लेकिन यहां पर भी टमाटर तो सस्ते नहीं मिले, बल्कि हमारे ऑटो के पैसे और लग गए। सरकार की लापरवाही की वजह से लगातार न सिर्फ टमाटर बल्कि दूसरी सब्जियां भी दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं, जिससे पूरे रसोई और घर का बजट जो है वो बिगड़ चुका है। एक अन्य महिला ने कहा कि हमने सुना था कि सस्ते टमाटर मिलेंगे, जिसके बाद हम भी 2 जगहों पर टमाटर खरीदने के लिए गए लेकिन कहीं भी टमाटर नहीं मिले। उन्होंने कहा कि सरकार आम आदमी की कोई परवाह नहीं करती। मध्यम वर्गीय परिवारों का बजट लगातार बढ़ती महंगाई के बाद गड़बड़ा गया है। निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में अगर जल्द से जल्द इस महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो भारत में जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। सहकार भवन के पीछे जब जनता को टमाटर नहीं मिले तो उन्होंने टमाटर बेचने वाले विक्रेता से बहस शुरू कर दी और इसके बाद परेशान विक्रेता भी सड़क पर बैठ आम जनता को समझाने की कोशिश करता रहा। एक स्थानीय ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि सरकार सस्ते टमाटर बेच रही है, लेकिन जब मैं यहां टमाटर खरीदने पहुंच रहा था तो मुझे किसी ने पाव भर टमाटर तक नहीं दिए, बल्कि यहां अव्यवस्थाओं का इतना बुरा हाल था कि कोई ये तक बताने को तैयार नहीं था कि टमाटर कहां, कब और कैसे दिए जाएंगे। यहां मुझे एक टमाटर भी नहीं मिल पाया है, बल्कि यहां पर इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं हैं कि कोई मुझसे ग्राहकों को बताने या समझाने वाला आदमी तक मौजूद नहीं है। जनता तो यहां तक भी कहती रही कि सरकार एक तरफ पाकिस्तान की महंगाई का हवाला देती है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में टमाटर इतना महंगा हो रहा है, अरे भाई राजस्थान में कहां सस्ता मिल रहा है। यहां भी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महंगाई हर दिन अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। टमाटर जैसी सब्जियों के लिए इंसान को दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। इतने बुरे हालात तो मैं भी पहली बार देख रहा हूं, लेकिन कोई धनी धोरी नहीं है जो आम जनता की समस्याओं को सुने और उनका समाधान करे।